क्या आपको पता है कि जब आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और आपकी सेहत के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है जेनवन दवाई, बट जब आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो वहां पर आपके साथ में धोखा होता है। वो धोखा ऐसा होता है जो आपको नहीं पता होता है। आप मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए जाते हैं, बार बार दवाई लेने के लिए जाते हैं, वो रिपीट करके वही दवाई दे देता है। आपको लगता है कि ये डॉक्टर सही नहीं है, या जो इसने एंटीबायोटिक या कोई भी ऐसी दवाई लिखी है वो इस पर असर नहीं कर रही है। आप नए नए डॉक्टर्स बदलते हैं, तो आप यहाँ पर आप सावधान हो जाइए कि किस तरीके से नकली दवाओं का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें खाली जो मेडिकल स्टोर है उन्हीं की मिलीभगत नहीं होती, इसमें एक पूरी टीम होती है। जो टीम की शुरुआत कहाँ से होती है? टीम की शुरुआत होती है डॉक्टर से, डॉक्टर के बाद में MR होता है, फिर इसके बाद में मेडिकल स्टोर होता है। जो डिमांड के अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है और वही सर्वे होने के बाद में कंपनियां उसको बनाती हैं। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां, ऐसी नकली दवाएं थी मार्केट में आ चुकी हैं जो एंटीबायोटिक के नाम पर जहर बेच रही हैं। हम अपना मेहनत का पैसा डॉक्टर को देकर आते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं, हम हेल्दी हो जाएं, हमारे बच्चे सही हो जाएं, बट यहाँ पर हमारी सेहत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो आप सतर्क हो जाइए। भीलवाड़ा में एक राजस्थान का एक शहर है, तो वहां पर ऐसे कई मेडिकल स्टोर खुले हैं, छापा मारा गया है, जहां पर 7,000 के आसपास में दवाइयां वहां पर नकली पकड़ी गई हैं। और उसमें खाली जो मेडिकल स्टोर वाला होता है उसी की मिलीभगत नहीं थी, उसके साथ में एक पूरी टीम थी जो इस काम में इन्वॉल्वमेंट थे। आप अंदाजा इस चीज से लगाइए कि एक मिसाल के तौर पे एक दवाई 100 रुपए की आ रही है, और नकली दवाई की अगर बात करें तो वही दवाई आपको होलसेल में 10 रुपये और 15 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। और उसकी MRP के बारे में बात करें तो MRP उसको आपकी 100 रुपये की मिलेगी। आप मेडिकल स्टोर वाले के पास में जाते हैं, जब उसकी नकली दवाई पे जो MRP होती है वो 100 रुपये होती है, वो आपको डिस्काउंट कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि इसने हमारे साथ में डिस्काउंट किया है, हमारा मान सम्मान रख नहीं, बट वहां पर वो आपका दिल भी जीत रहा है और आपके साथ में धोखा भी कर रहा है। और वही दवाई आप बार बार खाते हैं और वो आपको फायदा नहीं पहुंचाती सिवाय नुकसान के। नकली दवाओं में कंटेंट नहीं होने से इससे मरीज को फायदा नहीं होता है, इस कारण तबीयत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टर उसकी डोज बढ़ाकर 2-3 टैबलेट कर देते हैं, लेकिन इससे भी फायदा नहीं होता है। उसको उलट ज्यादा गोली लेने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है और मरीज की जान जाना तो तय है। जी हाँ, जरा सा आप इस चीज को आप देखें कि आज के टाइम में जितनी भी जो बीमारियां बढ़ रही हैं, या शुगर, थायराइड, या ब्लड की हार्ट की शिकायत है सबसे ज्यादा, वो क्यों बढ़ रही है? देखिए, हम जो हमारा जो एक लाइफ स्टाइल है या हमारा जो खाना पीना है वो एक बहुत हद तक चेंज हो गया है, बट इसके अलावा जो दवाइयां मार्केट में आ रही हैं वो हमें फायदा नहीं पहुंचा रही हैं। तो उसकी एक मेन वजह ये है कि मार्केट में नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह है UP NCR में, दिल्ली की होलसेल मार्केट है, मेरठ की होलसेल मार्केट है, खैरनगर मार्केट, तो यहाँ पर भी धड़ल्ले से नकली दवाओं का कारोबार होता है और ये एक नकली दवाओं की मंडी बन चुका है। तो मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आपको अगर अपने पैसे और अपनी स्वास्थ्य की चिंता है तो आप अपने लाइफ स्टाइल, आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें। आपका पैसा बचेगा, तो आप पैसा किस तरीके से बचेगा? पैसा बचेगा आपका जब आप बीमार नहीं होंगे, आपके डॉक्टर के पास में चक्कर नहीं लगेंगे। तो सबसे ज्यादा ये है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ठीक है, और इसके बाद में आप अपने टाइम पर ध्यान दें कि आपने किस टाइम पर खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो मेरी आज की एक सीख थी, छोटी सी मेरी सीख थी जो मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से हम अपने आसपास में क्या फेस कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वॉइस अगर अच्छी लगी है, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा और हाँ सब्सक्राइब करिएगा, और भविष्य में मैं और भी इस तरह की जो वॉइस वीडियोस हैं वो लेकर आता रहूँगा, और आने वाले टाइम में मैं अपने आप को भी आप लोगों के सामने रखूँगा।